मुझसे ये पूछा गया था कि जो टॉपिक्स हमारे बाद वाले हैं, पहले मैं उनकी थ्योरी पहले डिस्कस कर लूं, फिर आगे की दूसरी थ्योरीज को मैं डिस्कस करूं, ये मुझसे कहा। तो मैं उसी आगे की थ्योरी को पहले मैं अपना डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो वही चलते हैं अपन। तो मैं इधर आ रहा हूँ और इधर आ जाते हैं, ठीक है? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर है। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और ये कैसे बनता है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, हम उनके बात करने वाले हैं। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये एक तो हमें बताता है हिस्टोरिकल चेंजेस। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, हिस्टोरिकल चेंजेस, हिस्टोरिकल माने जो पहले हुई है, आने वाली नहीं, पहले जो हुई है, किसके अंदर चेंजेस हुए हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट में, नगद और नगद के तुल्य जो चीजें, नगद के बराबर जो चीजें, उनमें जो बदलाव हुआ है और किसकी वजह से हुआ है, उनको वो अलग अलग करके दिखाता है। मतलब पहले पिछले साल के अंदर कैश में और कैश के बराबर की, कैश के जैसी चीजों में जो चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, उनमें उनको दिखाता है। किस तरह से दिखाता है उनको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाता है। ऑपरेटिंग माने जो व्यवसाय को करने से चेंजेस आते हैं। व्यवसाय मतलब अगर हमारा मान लीजिए टेक्सटाइल का काम है, टेक्सटाइल का काम, ठीक है, टेक्सटाइल का काम है कपड़े का, तो उसके अंदर टेक्सटाइल का काम है तो उसके अंदर जो टेक्सटाइल का जो मेन बिजनेस है हमारा, उससे जो कैश या कैश के इक्विवेलेंट बदलाव आता है, कैश उसमें बता, निवेश में जो बदलाव आता है उसकी वजह से जो चेंज आता है। फिर दूसरी एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग माने निवेश, इन्वेस्टिंग माने नॉन करंट एसेट्स, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी माने पैसे का जो हम अपने पूंजी लगाते हैं, जो हम बिजनेस में धन लगाते हैं, उसकी वजह से जो बदलाव आता है। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसे लेन देन होते हैं जिनकी वजह से नगद में या उसके किसी चीज के आसपास बदलाव आता है, और उसकी वजह से उनको तीन हिस्सों में दिखाते हैं। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मेन बिजनेस की गतिविधियां हैं, दूसरी निवेश से संबंधित एक्टिविटीज, और तीसरी जो है हमको फंड से धन की उपलब्ध करने में जो हमको पैसा चाहिए होता है उसके लिए, इन तीन खंडों में दिखाता है, वो तीन भागों में दिखाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट किसलिए बनाते हैं, जिसके हम कैश का प्रवाह देख सके। कैश फ्लो मतलब कैश का प्रवाह देख सकते, प्रवाह इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है। प्रवाह मतलब पैसा आ रहा है, कैश नगद और कैश जा रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में, और इस प्रवाह को हम तीन भागों में दिखाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके अंदर ये एक स्टेटमेंट हमें बताता है कैश नगद या नगद के समकक्ष दूसरी चीजों में। तो नगद के समकक्ष क्या होती है, तो कहने का मतलब है कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। जब हम कैश कहते हैं, नगद कहते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास कैश है रोकड़ा, और जो बैंक में पैसा है, वो दोनों कैश में आता है। तो कैश के समकक्ष या कैश के बराबर कैश इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, कैश इक्विवेलेंट वो निवेश होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ जो बहुत जल्दी कैश में बदला जा सकता है, और उसको कैश में बदलने में कोई जोखिम भी नहीं, जोखिम मतलब कोई डूबने का डर नहीं। अगर मान लीजिए 10,000 रुपए हमारे पास थोड़े शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो 3 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर बदले जा सकते हैं कैश के अंदर, वो 3 महीने चाहूं तो 3 महीने के अंदर अंदर उनको आराम से बेच सकता हूँ, बिक जाएंगे। लेकिन जब मैं बेचूंगा तो उसमें डूबने का डर नहीं है, ऐसा नहीं कि 10,000 की जगह मुझे 9,000 ही मिलेगी,
या 10,000 की जगह मुझे 9,500 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर होगा भी ना नुकसान तो बहुत थोड़ा होगा, 1-2 रुपए का होगा, 10,000 की जगह 9,999, ऐसा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें फर्क आएगा। तो ये ऐसे निवेश जिनको बहुत आसानी से कैश के अंदर बदला जा सकता है, नगद में बदला जा सकता है, और बहुत आसानी से बिक जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर, ये इसकी शर्त, 3 महीने के अंदर, और इसमें नुकसान की संभावना बहुत कम है, उनको हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो एसेट लेन देन है जो नॉन कैश आइटम से पैसा आ रहा है जा रहा है, ठीक है। अगर आपके पास कैश आ रहा है तो वो इनफ्लो है, तो कैश जा रहा है बिजनेस, नगद जा रहा है तो आउटफ्लो है, ठीक है। अब जैसे मशीनरी खरीदी है अपन ने तो आउटफ्लो है, मशीनरी बेची तो इनफ्लो है, हमें लाभांश मिला, ब्याज मिला तो इनफ्लो है, हमने एम्प्लॉइज को तनख्वाह दी, भुगतान किया तो आउटफ्लो है, ऐसा। तो क्लासिफिकेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय सारा जो नगद का प्रवाह होता है, फ्लो आना और जाना, उसको तीन तीन भाग बांटते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस, ये तीन भागों में बांटते हैं, इन तीनों के ऊपर हम बात करते हैं। ऑपरेटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग मतलब वो गतिविधियां जो बिजनेस की मुख्य व्यवसाय करने की गतिविधियां। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मेरा काम जो है कपड़े बनाने का, तो कपड़े बनाने का जो बिजनेस है तो उसके अंदर कपड़े बनाने और कपड़े बेचने से संबंधित जो भी गतिविधियां हो रही उनकी वजह से जो नगद का प्रवाह है उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो, नगद का प्रवाह, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मेरा बिजनेस जिस चीज का, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर ऐसा होगा कि मैं सामान बेचूंगा या सेवाएं बेचूंगा। अगर मेरा बिजनेस है सेवाएं बेचने का तो सेवाएं बेचूंगा, सामान बेचने का सामान बेचूंगा। उसके बाद मेरे को फीस मिल सकती है, रॉयल्टी मिल सकती है, और दूसरी आमदनी हो सकती है उस व्यवसाय से संबंधित। तो ये दोनों से, सामान बेचने से, फीस मिलने से, कमीशन मिलने से, रॉयल्टी मिलने से इनफ्लो होगा, प्रवाह अंदर आएगा। बाह्य प्रवाह क्या होगा? अगर मैं रॉ मेटेरियल खरीदूंगा, सप्लायर्स को पैसा दूंगा, एम्प्लॉयज को पैसा दूंगा, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह कराऊंगा, पॉलिसी, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए बाहर का प्रवाह क्या होगा? जब किसी ने पॉलिसी कराई है उसका कोई क्षतिपूर्ति, उसको कोई क्लेम देना पड़ता है ना, किसी ने एक्सीडेंट की इंश्योरेंस का, उसको एक्सीडेंट होता है तो वो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। जब वो इंश्योरेंस कराता है तो प्रीमियम भरता है तो कंपनी के पास पैसा आता है। इसी ढंग से टैक्स वगैरह का जो पेमेंट हम करते हैं वो भी हमारा प्रवाह, तो हम जो भी खर्चे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारा बाहर। ये सब बिजनेस से जुड़ा हुआ, बिजनेस का हिस्सा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हम कोई नॉन करेंट एसेट खरीद रहे हैं, नॉन करेंट एसेट मतलब मशीनरी खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, है ना, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फर्नीचर खरीद रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर मान लीजिए नॉन करंट एसेट्स की हमें आवश्यकता नहीं, हमें नहीं लगता कि हमें जरूरत है, या पुरानी हो गई मशीन, पुरानी हो गई है, लैंड की हमें जरूरत नहीं है, बिल्डिंग हम बेच रहे हैं, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है, ठीक है, ये भी हमारी इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माने फिक्स एसेट्स खरीदने में हमने जो पेमेंट किया है वो हमने निवेश के लिए शेयर्स खरीदे, वो हमने किसी को लोन दिया है, ये हमारा काम लोन देने का नहीं है लेकिन हमने लोन दिया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इसी ढंग से अगर हम कोई फिक्स एसेट बेचते हैं जिसको हमने लोन दिया वो हमें वापस कर रहा है, हमने शेयर जो खरीदे थे वो हम बेच रहे हैं, है ना, हमको लोन वापस मिल रहा है, या हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है उसके वजह से हमें लाभांश मिल रहा है, तो ये सब हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इसी ढंग से अपन लोन लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो फाइनेंसिंग में आएगा, वो फाइनेंसिंग में आएगा। हमने लोन लोन
हमने लिए हैं तो वो आउटफ्लो कहलाएगा कि इनफ्लो? लोन लिया है तो आपके पास पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, ये बताइए। सर आएगा तो सर, इनफ्लो पर आएगा लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी ना। तो उससे मतलब नहीं, पैसे की बात हो रही है अभी, यहाँ पे हम कैश की बात कर रहे हैं, कैश इनफ्लो आउटफ्लो की बात। कैश आ रहा है ना, यस सर। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो फाइनेंसिंग हो गया इसीलिए, लेकिन वो कैश किस कारण से आ रहा है? पैसा लेने की वजह से, लोन लेने की वजह से। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर हमने लोन लिया है, हमने डिबेंचर्स इशू किए, हमने लोन वापस चुकाया, लोन पर ब्याज दिया, डिबेंचर पर ब्याज दिया, शेयर इशू किए, वो सब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, लोन लेना, लोन का पेमेंट करना, शेयरों पे हमने लाभांश दिया, लोन पर हमने ब्याज दिया, ये सब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मोटे तौर पे तीन हिस्सों में हम बात करते हैं, बिजनेस करने के लिए पैसा लेना, उसके लिए व्यवस्था करना, चाहे शेयर से, अंशों को इशू करके या ऋण से, और उन पैसों को वापस करना, और उन पैसों पे लाभांश देना या ब्याज देना, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन हम किसी को पैसा दे रहे हैं, हम किसी को लोन दे रहे हैं, हमारा काम लोन देने का नहीं है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाता है। लेकिन अगर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बाद उसका एक्सप्लेन कर दीजिए। ये सारी जो मैं बात कर रहा हूँ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ही है। AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बोला गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे ऐसे बनेगा। मैं सर, अब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से ही बनाते हैं, तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो लिखा है वही बात हो रही है, और कुछ नहीं बात। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो बनता है, हम वही बना रहे हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। तो ये हमारे पास इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। मैं यहाँ पे जो बात कहने जा रहा था वो ये कहने जा रहा था कि अगर आपका बैंक का बिजनेस है, आप बैंकिंग बिजनेस चला रहे हैं, आप बैंक चला रहे हैं, और बैंक ने लोगों से डिपॉजिट लिए हैं, बैंकों में लोग पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, आपने डिपॉजिट लिए बैंकों से, तो वो डिपॉजिट जो है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं बैंक नहीं हूं, मैंने किसी से पैसा लिया, तो फाइनेंसिंग। मैं बैंक हूं और मैंने किसी से पैसा लिया, तो ऑपरेटिंग है, मेरा काम ही है पैसा लेने देने का। तो लेकिन अगर मैं ना बैंक नहीं हूं, तो दूसरा मेरी स्टील की फैक्ट्री है या कोई मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो मेरा काम थोड़ी पैसा लेने देने का, तो वहां पे वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। लेकिन बैंक है तो ऑपरेटिंग में आएगा। मैंने किसी को लोन दिया है, मैं कौन हूं? अगर मैं बैंक हूं, लोन दिया तो ऑपरेटिंग है, लोन देना ऑपरेटिंग है। लेकिन मैं बैंक नहीं हूं, मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, मैंने लोन दिया तब वो इन्वेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम थोड़ी है लोन देने, मैं तो लोन दे रहा हूं, तुम इन्वेस्टिंग हो। ये चीज तो ये एक मोटा सा क्लासिफिकेशन। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है आपके सिलेबस के हिसाब से, तो मैंने सिर्फ थ्योरी दी है इसका। इसके अंदर भी थोड़ा बहुत मुझे काटना छाटना है, तो मैं आप लोगों से कुछ से क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका मुझे जवाब देना है। अगर सैलरीज वेजेस हमने पे किए, उसकी वजह से कैश का इनफ्लो होगा, जिसका नाम लू वही जवाब दू, कैश का आउटफ्लो होगा या कोई भी फ्लो नहीं होगा, या आउटफ्लो होगा इनफ्लो होगा, दोनों होगा। भारती पाल तुम क्या कहती हो? सैलरीज वेजेस दी हमने, तो उससे कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, कोई भी फ्लो नहीं होगा, या दोनों होगा? भारती पाल के जवाब नहीं आ रहा है। भारती तो हो क्लास में? ठीक है, पल्लवी मिश्रा तुम आंसर दो सेकंड वाले। वेजेस सैलरी से इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, कोई फ्लो नहीं होगा, या दोनों होगा? आउटफ्लो होगा। जब हम वेजेस सैलरी देंगे तो आउटफ्लो होगा, हम पैसा देंगे वापस।
ठीक है। हमने प्रियंका किरार, हमने मशीनरी बेची है, सेल ऑफ मशीनरी, उससे जो कैश मिला वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इनमें से कुछ भी नहीं। हमने मशीनरी खरीदी है या बेची है, दोनों केस में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, बिल्कुल सही है। तो हमने जो मशीनरी बेची उससे जो हमें कैश मिला वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अगर बिजनेस का रोमान, अगर हमने बिजनेस का किराया चुकाया है, रेंट चुकाया है, तो वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है कि कुछ भी नहीं? हमने किराए क्यों चुकाते हैं बेटा? बिजनेस करने के लिए चुकाते हैं ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो बिजनेस का हिस्सा है, बिजनेस करने के लिए किराया देना है, आप सैलरी देनी है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। किराया जो आपने चुकाया है या आपने जो सैलरी दी है, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी, दोनों दोनों ऑपरेटिंग कहलाएगी। वैभव इंटरेस्ट रिसीट, एक फाइनेंस कंपनी है, उसको इंटरेस्ट मिला है, 10th क्वेश्चन, तो कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग कंपनी को इंटरेस्ट क्यों मिलता है? सर ऑपरेटिंग होगा, ऑपरेटिंग है, फाइनेंस कंपनी, उसका काम है भाई ब्याज। भारतीलाल, आप एग्जिट कर नहीं गए थे, मैंने आपको हटा दिया था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप जवाब नहीं दे रहे, तो मुझे ये लगा कि आप क्लास के अंदर, आपका मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि आप आराम कीजिए, आपको फिर ज्योति दी, इसलिए मैंने आपको छुट्टी दे दी थी कि आप घर जाइए आराम से और सोइए, तो आप हट नहीं गए थे, मैंने हटाया था, ठीक है, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। विशाल पटेल, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पर हमने इंटरेस्ट दिया है, तो ये कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग या कुछ भी नहीं? सर ऑपरेटिंग। डिबेंचर्स हम क्यों इशू करते हैं? बिजनेस चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, इस वजह से। यस सर। तो इसलिए हम इसको जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर पर ब्याज देना, डिबेंचर्स का पैसा वापस करना, ये सब जो है हमारा इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी कराता है। शेयर इशू करना भी फाइनेंसिंग में आएगा ना? शेयर इशू करना भी फाइनेंसिंग में आएगा। थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं अभी। आपको मुझे यहाँ बताना है, ये एक्टिविटीज लिखी है, परचेज ऑफ मशीनरी, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है? परचेज ऑफ मशीनरी क्या है? इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमने मशीनरी खरीदी है, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ लैंड, हमने लैंड बेची, ये कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। ये भी इन्वेस्टिंग है, हमने लैंड बेची। इन्वेस्टिंग। लैंड खरीदना, लैंड बेचना, ये बिजनेस नहीं है हमारा। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। इशू करना शेयर्स का, डिबेंचर इशू करने से हमको पैसा मिलता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब हमने शेयर इशू किए उस पे हम डिविडेंड दे रहे हैं, फाइनेंसिंग। ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
हमने गुड्स खरीदे तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना दोनों हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारे बिजनेस का हिस्सा है। बिजनेस इसी चीज का तो कर रहे हैं। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, जिनको उधार में माल बेचा था उनसे कैश कलेक्ट किया, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उधार में माल बेचना और उनसे पैसा लेना, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्रेडिटर्स जब उधार में माल खरीदेंगे तो उनको पेमेंट भी करेंगे, तो अब बिजनेस का हिस्सा है नॉर्मल। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स का पेमेंट जब आप प्रॉफिट कमाओगे बिजनेस, टैक्स का पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। टैक्स का पेमेंट तो जब आप बिजनेस करोगे और प्रॉफिट कमाओगे तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो ये ऑपरेटिंग बिजनेस करने से टैक्स लगता है, बिना उसके नहीं है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। बिल्डिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ, बिल्डिंग बनाना हमारा गुड्स करना। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग। ओल्ड मशीन, पुरानी मशीन बेच दी, इन्वेस्टिंग। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल का भुगतान किया, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग हाँ जी बताइए। तो ये कुछ एक्टिविटी मैं आपको भेज दूंगा शीट, जो बच्चे हैं और आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं इसमें कोशिश करूंगा मैं हिंदी में डाल दूं, तो कैश फ्लो के लिए मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको नहीं होगा। उसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो आपके तो आप पूछ लीजिएगा, तो कम से कम कैश फ्लो आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, और कोई चीज पूछिए बस, और कुछ पूछना है किसी को? तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी है क्या आपको सिलेबस में? यस सर, सो डिफरेंस दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो। डिफरेंस छोड़ो, सिलेबस में फंड फ्लो है क्या? यस सर है। मुझे दिखाओ जरा कहां फंड फ्लो स्टेटमेंट, सिलेबस कहां है आपका, भेजिए जरा मेरे को। सिलेबस आपका है मेरे पास, फंड फ्लो स्टेटमेंट आजकल कहां रह गया? अभी वो तो बहुत 10-15 साल पहले पढ़ाया करते थे। दिखाइए जरा फंड फ्लो स्टेटमेंट मुझे, कहां मैं एक बार आपका ओपन कर रहा हूँ जो आपने सिलेबस मुझे भेजा। एक तो ये है आपका मेरे पास स्टेटमेंट, ब्लूप्रिंट जो आप ही लोगों ने शायद भेजा है, किससे मुझे मिला मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इसके अंदर मैं आ रहा हूँ सिलेबस में, ब्लूप्रिंट के साथ सिलेबस दिया है क्या? सिलेबस दिया है, कम किए गए पाठ्यक्रम। अच्छा नहीं, इसमें नहीं है, ये है तो कम किए गई है, तो कम किए गए तो अलग से दिया ही है। आपके सिलेबस में है क्या फंड फ्लो, ये बताइए मेरे को। किसी किताब में डिस्कस किया उससे मतलब नहीं, किताबें तो बदलते नहीं है लोग, एक बार लिख देते हैं बस चली चलती है, सिलेबस बदलता रहता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो का डिफरेंस बताने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ाना पड़ेगा, तब डिफरेंस। जो चीज सिलेबस में नहीं है उसका डिफरेंस कैसे पूछ सकते हैं? सर पिता को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं बस बहुत लेट है, वो लोग उनको नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, इतनी लेट सर। उसी कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा क्या पढ़ा।
क्वेश्चन नंबर पेज 12 व्यावसायिक अध्ययन लेखा शास्त्र ये प्रचालन क्रिया कलापों से रोककर प्रवाह की गणना, ये गणना 66 67 68 एनसीईआरटी के हिसाब से ये हटा है, ठीक है। तो इससे डिविडेंड भी आ रहे हैं इसमें, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, उतना डिटेल नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है, आपको कैलकुलेशन हटा दी है इसलिए उतना डिटेल नहीं है। सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए उसको, डिविडेंड वो डिविडेंड का ट्रीटमेंट अब बदल गया है, ये बुक में जो दिया है पुराना ट्रीटमेंट, अब लॉ चेंज हो गया उसका। प्रपोज डिविडेंड माने कंपनी जो अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि हम इतना इतना डिविडेंड देंगे, उसकी बात हो रही। कंपनी मैंने बताया था कि डिविडेंड के केस के अंदर, ये मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था डिविडेंड का भुगतान कैसे होता है, कंपनी एक बार डिक्लेयर करती है, जब मैं वो बता रहा था आपको फॉर्मेट बैलेंस शीट का, मैंने बताया था डिविडेंड इस साल का अगले साल पे होता है, ये कैश इक्विवेलेंट को बोलते हैं रोकड़ तुल्य राशियां, रोकड़ तुल्य, तो रोकड़ तुल्य में कौन सी आती है, वो राशि आती है जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, और उनको हम बदल सकते हैं। वर्गीकरण प्रचालन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रचालन गतिविधि क्रियाकलाप, निवेश वित्तीय क्रियाकलाप, प्रचालन क्रिया कलापों से रोकड़ में क्या प्रभाव है, निवेश क्रिया कलापों से रोकड़ में क्या प्रभाव है, 66 ये क्रिया वित्तीय क्रिया कलापों से क्या प्रभाव है, यहाँ तक हो गया। कुछ विशिष्ट मदों का व्यवहार, ये व्यवहार तब यहाँ आ तुम इसकी बात करो, ब्याज और लाभांश की बात करो। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछे थे और डेफिनेशन भी आई थी। अच्छा, तो यह साधारण मदे जो है, लाभांश तो मालूम है लाभांश क्या है, ठीक है, ये लाभांश जो है आपका असाधारण मदे जो है उनका लाभांश, जो हम डिविडेंड शेयर्स इशू करते हैं उस पर लाभांश देते हैं, या हम उस पर ब्याज हमें प्राप्त होता है, इसका वर्गीकरण की बात हो रही है, तो वर्गीकरण तो मैंने अभी आपको बताया है इसका वर्गीकरण क्या है। ये कर है जो आपको टैक्स देना पड़ता है, आय एवं लाभों पर जो आपको टैक्स देना पड़ता है, ये हो गया। गैर रोकड़ लेन देन, ये ठीक है, हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर प्रचालन क्रिया कलापों से जो प्रवाह होता है, निवेश क्रिया कलापों से जो प्रवाह होता है, वित्तीय क्रिया कलापों से जो प्रवाह होता है, तीनों को जोड़ देते हैं, और वर्ष के प्रारंभ में जो हमारे पास रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक शेष है उसको जोड़ देते हैं तो वर्ष के अंत का आ जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कई सारी गतिविधि दी है, इनका अभी आपको ये देखना है कि कौन सी गतिविधि, बस ये यहाँ तक है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं, ये हट गया। अब इसके अंदर कहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट दिया है, मुझे तो कहीं दिखा नहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट, एनसीईआरटी में नहीं है, तो एनसीईआरटी में नहीं है, तो सिलेबस में तो एनसीईआरटी के हिसाब से दे रखा है, और तो कहीं से दिया नहीं, उन्होंने तो इसके इसके खंडों का नंबर तक दिया हुआ है 6.6 6.7, तो सिलेबस यही है आपका, इसे फंड फ्लो कहा, और फंड फ्लो का डिफरेंस जानने के लिए पहले फंड, वो पहले कभी फंड फ्लो सिलेबस में होता था 10-12 साल पहले, तो दोनों का डिफरेंस होता था, फंड फ्लो भी था कैश फ्लो भी था, तो कैश फ्लो फंड फ्लो का डिफरेंस बताते, अब तो फंड फ्लो ही नहीं है तो फंड फ्लो के साथ डिफरेंस है मतलब क्या है, जब फंड फ्लो है ही नहीं सिलेबस तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आपको पहले तो ये जो मैंने अभी बताया है चीजें, इसके हिसाब से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये चीजें पढ़ लीजिएगा। आपने कहा है कि भैया उन्होंने इसका मीनिंग भी पूछा है डिविडेंड का, और वो भी है, तो मैं डाल दूंगा शीट में, वो भी डाल दूंगा, और ये जो बात के एक दो पेजेस जो रह गए नहीं डाले मैंने, मुझे लगा कैलकुलेशन नहीं है तो इनकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन ठीक है वो भी डाल दूंगा, वो कोई इश्यू नहीं, तो उसमें जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं उसमें आपको दे दूंगा, तो उनको आप कर सकते हो। तो पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप देख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो भी कल पूछ लीजिएगा, तो जिससे कि हम आगे का ज्वाइन करा सके, ठीक है। यस सर, और कोई क्वेश्चन है किसी का?
ठीक है।